सबसे पहले तो रात को अब्बू के पास कॉल आई थी बोर्ड ऑफिस से कि पोजीशन इस वक्त उन्होंने नहीं बताई थी कौन सी पोजीशन है, लेकिन ये बता दिया था तो उस वक्त सबसे ज़्यादा खुशी तो उसी वक्त हो गई थी। उसके बाद फिर अगले दिन सुबह गए थे बोर्ड ऑफिस, गए थे वहाँ पे चेयरमैन साहब ने अनाउंस किया। सारे पोजीशन होल्डर्स बैठे हुए थे, बाद उन्होंने नाम लेके अनाउंस किया ये सैयद अम्मा की पहली पोजीशन है, तो उस वक्त और ज़्यादा खुशी हुई है पहली पोजीशन है। मेरा नाम सैयद हम्माद महमूद है, मैंने इंटर प्री इंजीनियरिंग में टॉप पोजीशन ली है, 1100 में से 1047 नंबर मैंने हासिल किए हैं इस साल। मेरे पेपर तो बहुत अच्छे हुए थे, लेकिन ये है कि पूरे कराची में फर्स्ट आऊँगा ये थोड़ा वो था, लेकिन ये तो उम्मीद थी कि इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा, पोजीशन की भी उम्मीद थी। मैंने गवर्नमेंट आदमजी साइंस कॉलेज से इंटर में पढ़ा है, और इससे पहले मैं हमदर्द पब्लिक स्कूल में पढ़ता रहा हूँ, मैट्रिक मैंने हमदर्द पब्लिक स्कूल से किया है। ये माशाल्लाह नर्सरी से लेके अभी तक हमेशा फ़र्स्ट पोजीशन इन्होंने ली है, और उसके अलावा जो स्कूल में मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन क्विज़ होते थे एग्जीबिशंस वगैरह होती थी, स्पीचेस होती थी, उनमें भी पार्टिसिपेट करते थे, और हमेशा अपने टीचर्स के फेवरेट रहे हैं माशाल्लाह। पढ़ाई का यह होता है कि मैं 9 बजे तक उठता हूँ, जब उसके बाद ये है कि फिर पढ़ता हूँ, और अमूमन रात में 11-12 बजे तक बीच में ब्रेक रहता हूँ रिफ्रेश, और कॉलेज जाना होता है, कोचिंग जाना होता है, तो वो सब बीच में होता है। मैंने CA में एडमिशन लिया है, तो इंशाल्लाह अब यहीं पे मेहनत करने का इरादा है, वो क्लासेस शुरू हो गई हैं तो वो चल रहा है सब अल्लाह शुक्र। नकल के रुझान को रोकने के लिए सबसे पहले तो ये है कि बच्चों को पढ़ाई की तरफ रागब करें कि बच्चे इस तरफ जाएँ ना, उसके बाद ये है कि इमिग्रेशन और ये सब चीज़ें मज़ीद बेहतर की जा सकती हैं, ये जिससे हो और इमिग्रेशन से तादाद बढ़ाएँ, क्लासरूम्स छोटे करें, इस तरह ये है कि बच्चों के लिए मुश्किल होता जाएगा नकल करना एग्ज़ाम्स में। रीडिंग हैबिट कम हो गई है, बात काफ़ी हद तक सही है कि कम होती जा रही है, लेकिन ये है कि इसकी वजह ये कि उन्हें अल्टरनेटिव मिल गए हैं, अब वो इंटरनेट पे चीज़ें पढ़ लेते हैं, पहले जब वो बुक पढ़ते हैं अब वो एक आर्टिकल या वो पढ़ लेते हैं, लेकिन ये है कि जनरली कह सकते हैं कि बिल्कुल रीडिंग हैबिट कम हो रही है। पिछले कुछ सालों में ये कि लड़कियाँ का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे आ रहे थे, लेकिन इस दफ़ा ये है कि 4 में से 3 पोजीशन होल्डर जो हैं वो लड़के आए हैं, तो ये थोड़ा चेंज आया है और अच्छी बात है कि लड़कों ने भी अब पढ़ना शुरू किया है। मेरा ख्वाब ये है कि बस ये जिस फील्ड में भी जाएँ, इंशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं बल्कि एडमिशन ले चुके हैं, इसी फील्ड में माशाल्लाह मेहनत करें और अपनी सारी सर्विसेज अपने मुल्क के लिए दें।